बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस जो न्यू कोर्स है जो हमने स्टार्ट किया है उसके चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक जो छोटा सा माइनर टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिकल एक्सप्रेशन वो डिस्कस करेंगे। एक दो इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊँगा इस टॉपिक के हवाले से और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 हम अपना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है जिस तरह हमने 9th क्लास की न्यू कोर्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस तरह से 10th क्लास का भी पूरा कोर्स मेरे चैनल पे पढ़ा, और इस तरह से इंशाल्लाह एक दो माह तक ये कोर्स भी मेरे मुकम्मल कोर्स मेरे चैनल पे मौजूद होगा इंशाल्लाह। तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर लेक्चर नहीं मिल रहे, तो डिस्क्रिप्शन चेक किया करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंपॉर्टेंट लेक्चर और प्लेलिस्ट और इंपॉर्टेंट लिंक्स ऐड किए होते हैं, या फिर चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे वहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी जिसमें तमाम लेक्चर एक सीक्वेंस में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है? हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, कौन कौन से? एंड हमने पढ़ा था, और पढ़ा था, और नॉट पढ़ा था। जब एंड और नॉट लग जाएं कुछ वेरिएबल्स या वैल्यूज के दरमियान में तब वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, इससे पहले हमने बूलियन लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, तो मैंने लिखा था ए प्लस बी। तो ये ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्वियसली या तो ट्रू होगी वैल्यू की या फॉल्स होगी। ये ट्रूथ टेबल में भी हमने देखा था, जब हमने ट्रूथ टेबल बनाया था इनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हमने लिखी थी, इसके अलावा कोई नहीं लिखी थी। तो जो ट्रूथ वैल्यूज हैं, ये ट्रूथ वैल्यूज होती है ना, ट्रू और फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू सिर्फ ट्रू और फॉल्स हैं जिनको 0-1 भी लिख सकते हैं। तो ट्रूथ वैल्यूज के दरमियान में जब लॉजिकल ऑपरेटर्स लग जाए एंड और नॉट, तो फिर वो क्या बन जाता है? लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी ये मुकम्मल एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से हमने पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह ब्रैकेट थी। तो ये ट्रूथ वैल्यूज हैं ए बी सी, और इनके दरमियान में जो ऑपरेटर लग गया वो कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये क्या बन गया? लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट वन, तो ये भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि वन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को। तो वन और ए ये क्या है? ट्रूथ वैल्यूज हैं, और ये जो दरमियान में डॉट लग गया ये लॉजिकल ऑपरेटर है। कौन सा? एंड का। यहाँ पे प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? और को। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ नॉट, ये नॉट का सिंबल है, नॉट ए डॉट वन, नॉट ए डॉट वन, तो ये भी क्या है? एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो इन्हें हम कहेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब एक बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है, वो कहता है कि जब हम किसी नेगेटिव कोई वैल्यू हमारे पास आ जाए, ट्रूथ वैल्यू कोई नेगेटिव आ जाए, उसका हम दोबारा से नोट ले लें उसको, तो वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाता है। मिसाल समझाता हूँ, अभी ये बात समझ तो नहीं आई होगी, एग्जांपल देता हूँ समझ आ जाएगी। देखें, हमने पढ़ा था एक है वैल्यू ए, और ए की दो वैल्यूज होंगी, एक फॉल्स और एक ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ नोट ए, तो नोट ए क्या करेगा? फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देगा। ये हमने ट्रूथ टेबल इसका पढ़ा था। अगर मैं करूँ नोट नोट ए, यानी जो नोट ए है जो हमने निकाला था ये वाली वैल्यू नोट ए, इसको भी नोट कर दूं, इसको भी नोट कर दूं, इसको भी निगेशन में ले आऊं, निगेशन से मुराद इसका उल्ट हो जाएगा, तो ये ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये दोबारा से वही चीज बन गई जो यहाँ पे थी, ठीक है। तो वो जो बुक में लास्ट उसने बात की है ना, वो एक्चुअली उसने ये बात की हुई है कि अगर हम नेगेटिव को भी दोबारा नेगेटिव ले लेते हैं तो वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाता है, वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है, इसका ये मतलब। उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। बाकी एक्सरसाइज भी आप देख लें, और नोट्स में एक्सरसाइजेस सॉल्व हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो नेटवर्क्स का है, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। तो आपने इसको पढ़ना है, अच्छी अच्छी तैयारी करें, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।